लकम टू माई यूट्यूब चैनल रमिंदर मैथ साहब आई एम रिमिंदर आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर थ्री पॉइंट सेवन क्वेश्चन नंबर वन द क्वेश्चन नंबर वन इज द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बिजू डिफर बाई थ्री ईयर्स एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी एंड बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हेज सिस्टर कैथी द एजेस ऑफ कैथी इन धर्म डिफर बाई थर्टी ईयर्स फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बिजू यहाँ पे दो फ्रेंड्स की एजेस की बात हुई है सबसे पहले तो लिखा है कि उनकी एज का डिफरेंस क्या है थ्री ईयर्स मीन्स अगर एक फिफ्टीन ईयर्स का है तो दूसरा एटीन ईयर्स का होगा या फिर ट्वेल्व ईयर्स का होगा तीन का डिफरेंस है तीन साल का डिफरेंस और बाद में है कि एनी के जो फादर हैं धर्म उनकी एज कितनी है ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी जितनी एनी की एज है उससे ट्वाइस उनकी एज है फाइन और बिजू की एज के बारे में क्या गिवन है कि बिजू की एज है ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सिस्टर कैथी हमें फाइंड आउट क्या करना है एजेस ऑफ़ एनी एंड बिजू और यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है कि कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस कितना है थर्टी ईयर्स फाइन तो जो हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हम लेट कर लें लेट द एज ऑफ एनी बी एक्स ईयर्स एंड एज ऑफ बिजू बी वाई ईयर्स ठीक है हमने इनकी एजेस को लेट कर लिया सो so, पहले तो था कि डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बिजू डिफर बाय थ्री ईयर्स मीन्स इनकी एज का डिफरेंस आपस में कितना है थ्री इयर्स का लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इनमें से बड़ा कौन है एल्डर कौन है एनी और बिजू फ्रेंड्स हैं तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा तभी इनकी एज का डिफरेंस uh, है थ्री ईयर्स तो अगर हम लेट कर लें पहले कि लेट एनी बी एल्डर देन बिजू ठीक है लेट या फिर हम केस ले लेते हैं ये कि केस नंबर वन एज कि अगर एनी एल्डर है बिजू से तो फिर तो आ जाएगी एक्स ग्रेटर देन वाई मीन्स एनी की एज जो है वो ग्रेटर देन बिजूस एज आ जाएगी ठीक है तो एक्स ग्रेटर देन वाई आ गया लेकिन अगर केस नंबर टू यहाँ पे हम साथ में ही ले लेते हैं केस नंबर टू इज़ कि अगर बिजू जो है वो एल्डर है बिजू इज़ एल्डर देन एनी तब क्या होगा फिर वाई ग्रेटर देन एक्स आ जाएगा ठीक है फिर बिजू बड़ा है तो उसकी एज ज़्यादा है एनी से ठीक है तो हम दोनों केसेस लेके चलेंगे ठीक है ये दो केसेस लेके चलेंगे पहले हम इससे सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को यहां पे आ जाएगा कि अगर एनी बड़ा है और बिजू छोटा है तो एनी की एज माइनस बिजू की एज इज इक्वल टू तो थ्री ईयर्स क्योंकि हमें स्टेटमेंट में गिवन था दैट द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बिजू डिफर बाय थ्री ईयर्स डिफर मीन्स माइनस डिफरेंस ठीक है तो इन दोनों की एज का डिफरेंस थ्री ईयर्स लिख दिया एक क्वेश्चन नंबर वन मार्क कर देते हैं और इस केस में क्या होगा वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री ईयर ठीक है फिर अगर बीजू बड़ा है एनी से तो वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री ईयर आएगा फाइन सो दिस इज इक्वेशन क्वेश्चन नंबर टू लेटर से अब जो आगे है हमारा डाटा एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी अब एनी एनीज फादर धर्म उनकी एज क्या दी हुई है धर्म एज ज इक्वल टू कितनी दी है ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी जितनी एनी की एज है उससे ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स ठीक है मीन्स टू एक्स ओके और फिर है बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हेज सिस्टर कैथी तो बिजूज एज बिजूज एज एज ट्वाइस एज हेज सिस्टर कैथी जो कैथी है जो उसकी सिस्टर है बिजू की उससे उसकी एज बिजू की क्या है ट्वाइस है यही लिखा हुआ है बिजू इज ट्वाइस ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स एज हिज सिस्टर कैथी फाइन तो यहाँ पे अगर हम हमें बिजू की एज तो पता है दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने वाई लिख दिया इज इक्वल टू टू इन टू एज ऑफ कैथी यहाँ पे भी लिख देते एज ऑफ कैथी तो यहाँ पे हमारी एज ऑफ एथी कैथी कितने निकलेगी एज ऑफ़ कैथी इज इक्वल टू y अपॉन टू फाइन यही आएगी y यहाँ पे है और टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो एज ऑफ कैथी आ गई हमारे पास y अपॉन टू फाइन अब आ, आगे हमें क्या गिवन था द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय थर्टी ईयर्स अब इनकी एज का जो डिफरेंस है धर्म की और कैथी की इनकी एज का डिफरेंस हमें गिवन है थर्टी इयर्स ठीक है अब बड़ा कौन सा है बड़ा कौन है इनमें से धर्म है या कैथी है तो अगर हम देखें एनी और बिजु ये दोनों हैं फ्रेंड्स तो इनकी एज का ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है थ्री ईयर्स का है और बिजू की सिस्टर कौन है कैथी ठीक है और एनी के फादर हैं धर्म धर्म इनके फ़ादर हैं ठीक है थीके? तो ऑब्वियसली ये सब इनसे छोटे हैं धर्म से है ना तो धर्म जो है फादर हैं जो एनी के वो बड़े हैं तो इट मीनस उनकी एज में से कैथी की एज को माइनस करके थर्टी आया होगा है ना यही होगा ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हेयर टू एक्स माइनस वाई बाय टू इज इक्वल टू थर्टी क्लियर यही लिखा था एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय थर्टी ईयर्स मीन्स जो धर्म की एज है उनकी एज में से हमने कैथी की एज को माइनस किया तभी थर्टी ईयर्स बने है ना अगर वो फिफ्टी ईयर्स के हैं और कैथी ट्वेंटी ईयर्स की है है ना ट्वेंटी ईयर्स की होगी मीन्स छोटी है उनसे क्योंकि ये सारे फ्रेंड्स हैं एनी और बिजू और बिजू की सिस्टर है कैथी तो डेफिनेटली वो छोटी होगी एनी के फादर से फाइन तो इसलिए यहाँ पे हमने धर्म की एज से कैथी की एज को माइनस करके इज इक्वल टू थर्टी लिखा ठीक है अब इसको हम सॉल्व कर लें थोड़ा सा ठीक है सॉल्व करके ये भी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी दिस इज यहाँ पे कुछ नहीं है मींस टू के नीचे वन है तो वन इन टू का एलसीएम इज़ टू ओके और यहाँ पे वन इन टू टू इज़ टू सो टू इंटू टू इज़ फोर एक्स माइनस टू के टेबल पे टू वन पे वन इन टू वाई इज़ वाई ओके यहाँ पे वन के टेबल पे टू कितने पे गया था टू पे तो टू इंटू टू फोर एक्स माइनस टू के टेबल पे टू वन पे वन इन टू वाई वाई इज़ इक्वल टू थर्टी तो ये बन गया हमारा फोर एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू टू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा थर्टी के साथ क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा था तो ये बन गया हमारा फोर एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू सिक्सटी ये बन गई हमारी थर्ड नंबर इक्वेशन ठीक है अब केस uh, वन में इक्वेशन ये थी और केस टू में ये वाली इक्वेशन और जो जनरल इक्वेशन जो है दोनों के लिए uh, दोनों की इक्वेशन जो है नेक्स्ट वाली वो ये वाली है फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सिक्सटी ठीक है अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को फाइन एक बार फर्स्ट केस के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं ये वाली इक्वेशंस को आपस आप में और फिर सेकंड केस के साथ भी सॉल्व करेंगे ठीक है तो यहाँ पे आएगा यूजिंग एलिमिनेशन मैथड यूजिंग यहाँ पे मैं एलिमिनेशन लगाने लगी हूँ आप सब्सटीट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो आंसर मर्जी मैथड लगा सकते हैं सबसे आंसर जो है वो सेम आते हैं ठीक है थीके? तो एलिमिनेशन मैथड मैं यहाँ पे इसलिए प्रेफर करने लगी हूँ क्योंकि यहाँ पे जो x है उसका कोफिशियंट है वन और यहाँ पे x का कोफिशियंट है फोर तो इजीली यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट इक्वेशन को फोर के साथ तो ये फोर एक्स बन जाएगा या फिर दूसरा वेरिएबल देखिए उसमें है y यहाँ पे कोफिशेंट है माइनस वन और यहाँ पे भी माइनस वन तो यहाँ पे सिर्फ हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी y के केस में y को एलिमिनेट करने के लिए तो फिर हम यही इसी को एलिमिनेट कर देते हैं ठीक है तो सिंपल हम क्या करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर वन एंड थ्री इक्वेशन नंबर वन वॉज़ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री एंड इक्वेशन नंबर थ्री इज फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सिक्सटी और यहाँ से अब साइन जो है जो हमें एलिमिनेट करना है वेरिएबल उसके साइन ऑपोजिट होने चाहिए यहाँ पे सेम है तो ऑपोजिट करने के लिए ये जो इक्वेशन है इसके साइन को उल्टा कर दें सबके साइन को एक का साइन उल्टा नहीं होगा सारी इक्वेशन का साइन उल्टा होगा है ना ऐसे ही होता है एलिमिनेशन मैथड यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस का हो गया ये माइनस है ये प्लस का हो गया ये भी प्लस है ये भी माइनस हो गया फाइन सो दिस इज़ ये वाई और वाई तो कट गए प्लस माइनस इज़ माइनस सो वाई माइनस वाई इज़ जीरो और यहाँ पे x माइनस फोर एक्स प्लस माइनस माइनस फोर माइनस वन एज थ्री और साथ में x और साथ में बड़े का साइन दैट इज़ फोर का साइन माइनस इज इक्वल टू थ्री माइनस सिक्सटी मीन्स प्लस माइनस माइनस सो सिक्सटी माइनस थ्री इज फिफ्टी सेवन और बड़े का साइन फिर से सिक्सटी का साइन माइनस अब दोनों साइड्स पे सिंगल सिंगल टर्म्स बचे तो माइनस इनका कैंसिल हो जाएगा फिर ठीक है और एक्स की वैल्यू के लिए क्या करें ये थ्री उधर जाके डिवाइड होगा क्योंकि दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होता है तो अगर थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा ये डिवाइड हो जाएगा सो दिस इज एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी सेवन अपॉन थ्री और यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है थ्री वन जो थ्री थ्री वन जो थ्री एंड देन ट्वेंटी सेवन नाइन ओके एक्स आ गया हमारा नाइनटीन और अगर एक्स आ गया तो वाई भी आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें ये जो इक्वेशन है नंबर वन यहाँ से वाई भी आ जाएगा सो दिस इज़ पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर वन सो इक्वेशन नंबर वन इज़ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री और एक्स की वैल्यू 19 माइनस वाई इज़ इक्वल टू थ्री अब ये 19 उधर शिफ्ट करें क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम कांस्टेंट uh, वाली साइड पर ही लेके जाएंगे तभी सॉल्व होगा y हमारा तो माइनस वाई इज़ माइनस नाइनटीन क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का नाइनटीन है आगे कोई साइन नहीं है ना मीन्स इसके आगे प्लस का साइन है सो दिस इज माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस नाइनटीन माइनस फाइव इज सॉरी 19 माइनस थ्री इज सिक्सटीन और साथ में बड़े का साइन दैट इज़ माइनस का सो so, ये माइनस माइनस फिर से कैंसिल सिंगल सिंगल टर्म्स बचे थे तो हमारा वाई कितना बना फिर वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन therefore फोर देखिए दोनों फ्रेंड्स की एजज़ आ गई हैं है, है ना एक्स की है एक्स uh, है नाइनटीन मीन एनी की एज है नाइनटीन और बीजू की एज है सिक्सटीन ठीक है ये तो है केस नंबर वन अब केस नंबर टू के साथ जो इक्वेशन थी हमारी y माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री उसको हम सॉल्व करेंगे ये थर्ड इक्वेशन के साथ और फिर से वैल्यूज निकलेंगी y और x की ठीक है सो दिस इज सॉल्विंग नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री दिस इज इक्वेशन नंबर टू वॉज ये थी इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री हमने एक्स वेरिएबल पहले लिख दिया और वाई वेरिएबल बाद में लिख दिया एक्स के साथ माइनस का साइन था तो उसका साइन उसके साथ ही है ठीक है और वाई के साथ प्लस का था तो यहाँ पे प्लस है इज इक्वल टू थ्री सो सेकेंड इक्वेशन वॉज माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री एंड थर्ड इक्वेशन जो थी वो थी हमारी फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सिक्सटी ठीक okay? है अब देखिए वाई वेरिएबल फिर से एलिमिनेट हो रहा है और इसके साइन भी यहाँ पे ओपोजिट हैं तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो गया हमें साइन चेंज नहीं करने पड़े सबके सो so, यहाँ पे आया हमारा एक्स फोर प्लस माइनस माइनस फोर माइनस वाइन एस थ्री और साथ में बड़े का साइन दैट इज़ प्लस तो यहाँ पे प्लस आ गया इज इक्वल टू सिक्सटी प्लस थ्री सिक्सटी थ्री अब एक्स इधर इसकी वैल्यू के लिए थ्री इधर हो रहा है मल्टीप्लाई है ना दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होता है तो थ्री अब उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा सिक्सटी थ्री के साथ सो so, ये आफ्टर कटिंग ये बच गया हमारा टू वन ट्वेंटी वन सो एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी वन ठीक है अगर एक्स आ गया तो वाई भी आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें दिस इज पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर टू ठीक है इक्वेशन नंबर टू वॉज माइनस एक्स मीन्स माइनस ट्वेंटी वन प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री ठीक है यही थी इक्वेशन टू ये वाली है ना या फिर ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं दोनों सेम ही चीज़ें हैं ठीक है सो दिस इज़ वाई इज इक्वल टू ये ट्वेंटी वन उधर जाके ऐड हो जाएगा क्योंकि इधर ये माइनस का है ठीक है तो थ्री प्लस ट्वेंटी वन दैट इज़ ट्वेंटी फोर ठीक है तो अब हमारे जो जनरल जो लाइन कंक्लूडिंग लाइन है वो लिख देते हैं देयरफॉर एजेस ऑफ एनी एंड बीजू आर एनी की एज फर्स्ट केस में कितनी आई थी एक्स इज इक्वल टू नाइनटीन एंड बीजू की एज सिक्सटीन देर फोर एजिस ऑफ एनी एंड बीजू आर नाइनटीन एंड सिक्सटीन रिस्पेक्टिवली ठीक है दोनों की एजिस को हमने सिक्वेंस में लिखा रिस्पेक्टिवली और एजेस ऑफ एनी एंड बीजू आर दूसरे केस में ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी फोर आई थी एक्स जो एज थी वो थी एनी की मीन्स एनी की एज ट्वेंटी वन एंड वाई एज बीजू की थी मीन्स ट्वेंटी फोर ईयर्स रिस्पेक्टिवली ठीक है रिस्पेक्टिवली फाइन यहाँ पे भी ईयर्स में लिख देते हैं ठीक है तो यहाँ पे देख लिए देखिए क्लियर कट जो है हमारी एजेस जो है एनी और बीजू की इनका एज का डिफरेंस आ रहा है थ्री ईयर्स यहाँ पे सिक्सटीन प्लस थ्री सेवनटीन एटीन नाइनटीन और यहाँ पे फिर से एनी की एज ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी फोर होती है बिजू की मीन्स थ्री इयर्स का गैप है तो इसीलिए हमने लेट किया था कि अगर एनी बड़ा है तो फिर ये वाली एजेस आई थी और अगर बिजू बड़ा तो ये वाली एजेस क्योंकि हमें दोनों का देखिए ये नहीं पता था कि बीच में से दोनों में से एल्डर कौन है फाइन सो तो ये नहीं पता है तो दोनों केसेस हमें लेके चलने पड़ेंगे हमें ये नहीं पता है कि कौन सा इनमें से आ, कौन सा मेंबर जो है वो जो फ्रेंड है वो बड़ा है तो दैट्स वाई हमने एक बार एनी को एनी की एज को बिगड़ लिया बिजू की एज से एक बार बिजू को एल्डर लिया हमने एनी से ठीक है सो यहाँ पे दो इक्वेशंस बनी थी एक बार हम इससे सॉल्व करेंगे सारा क्वेश्चन एक बार इससे सॉल्व करेंगे ठीक है आगे जो है धर्म की एज के बारे में था कि एनी के जो फादर हैं वो उसकी एज के ट्वाइस हैं तो यहाँ पर टू लिख दिया क्योंकि एनी की एज अगर एक्स है तो धर्म सर की एज कितनी है फिर टू इंटू एक्स दैट इज़ टू एक्स है ना यही गिवन था हमें फिर बीजू की एज के बारे में बताया था कि बीजू जो है वो अपनी सिस्टर की एज से ट्वाइस है मीन्स टू टाइम्स है तो यहाँ पे टू इंटू एज ऑफ कैथी लिखा इज इक्वल टू बीजूज एज तो बाद में बीजू की एज हमारे पास थी वाई सो यहाँ पे हमने पुट कर दिया और यहाँ पे टू इंटू एज ऑफ कैथी उसके बारे में हमें नहीं पता सो so हम यहाँ पे एज ऑफ कैथी कितनी लिखेंगे y बाई टू क्योंकि आगे जो स्टेटमेंट थी वो थी एज ऑफ धर्म एंड एज ऑफ कैथी के बारे में कि इनकी जो एज का डिफरेंस है वो है थर्टी इयर्स ठीक है तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने कैथी की एज को फाइंड आउट कर लिया दैट इज़ वाई बाई टू ठीक है बाद में इन पे जो कंडीशन थी कि डिफरेंस इनका क्या है धर्म की एज का और कैथी की एज का वो था थर्टी तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी ठीक है और ये तीनों ये दो, दोनों जो है एनी और बीजू ये दोनों फ्रेंड्स हैं ना तो इनकी बीजू की सिस्टर है कैथी तो ये तीनों तो एक आ, एज लेवल इनका सेम सेम होगा ना ठीक है तो धर्म जो है वो तो एनी के फादर हैं तो दैट्स वाई वो बड़े हैं इन सबसे ठीक है तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने धर्म सर की एज से माइनस किया कैथी की एज को और यहाँ पे इक्वेशन बन गई थर्ड इसको हमने सॉल्व किया पहले फर्स्ट इक्वेशन के साथ जो मर्जी मेथड लगा के आप लगा सकते हैं और बाद में हमने इसको सेकेंड इक्वेशन के साथ सॉल्व किया था ठीक है एंड वी गोट द आंसर्स हेयर एजिज़ ऑफ़ एनी एंड बीजू आर नाइनटीन एंड सिक्सटीन ईयर रेस्पेक्टिवली एंड या फिर या फिर और एजिज ऑफ़ एनी एंड बीजू आर ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी फोर ईयर्स रेस्पेक्टिवली एंड दैट सेट अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स